Today we'll begin with the directions and the reading of map. As you've already started with the chapter directions, so let us begin. A little revisions will do. That yes, of course we have studied that there are four directions, beta, the north, south, east, and west, beta. Okay. Then we have learned that what is map? A map is a drawing of a place which is made on the flat surface, beta. And yes, a book of map is there. You know, all kinds of maps are there. The world map and all continent and all everything is given. And Asia's map and all, political map, and this book is called as Atlas. Okay, this you'll be studying later in the higher classes when you're going to learn the social studies. Now, reading of map in the sense, first of all, the directions here. One minute, bring it back over here. The four directions, that is the north, this is the north direction, this is south, this is east, and this is west, beta. ठीक है. सो ऑल दी स्टेट्स जो यहाँ पे है, सी दी इज द मार्किंग. कैन यू सी द कलर्स? यू हैव सीन द कलर ऑन द मैप, है ना? सो ये अलग अलग स्टेट है बेटा. दे आर द डिफरेंट स्टेट्स. ओके, लाइक सी एज यू कैन सम ऑफ द स्टेट्स आई विल रीड फॉर यू. लाइक दिस इज मध्य प्रदेश, दिस इज उत्तर प्रदेश, राजस्थान. ये अलग अलग स्टेट है इंडिया का, है ना? यू कैन सी, बिकॉज एज अ होल, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्कूल, हमारे स्कूल में पूरा एक क्लास थोड़ी ना, है ना? नाउ देर इज़ अ हेड हु विल टेक कंट्रोल, देर इज़ वन मोर हेड, द प्रिंसिपल, द वाइस प्रिंसिपल. लाइक देर आर डिफरेंट क्लासेस. स्कूल जो है वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है. सिमिलरली द इंडिया मैप, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट्स सो दैट इट कैन वर्क स्मूथली. एक एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है, वो उसकी देखभाल करता है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई देर आर सो मेनी स्टेट्स इन इंडिया. सो ये जो स्टेट्स जो है ना अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना. यू विल बी लर्निंग दिस इन सोशल स्टडीज एंड ऑल इन थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड. फोर्थ में आपका मैप रहेगा बेटा, आपको मैप भी करना पड़ेगा ईवीएस में. ठीक है, देन दिस इज भूटान. सॉरी, वी वोंट टॉक अबाउट द नेबरिंग कंट्री. लेट अस टॉक अबाउट ओनली इंडियन स्टेट, द वेस्ट बंगाल. ओके, वो तो नेबरिंग कंट्रीज है, ये अपने नेबर्स है, नेपाल, भूटान और. ओके, then we'll talk about Gujarat. अगर आप south में, sorry, one minute बेटा. ओ, instead of W, what I wrote here, one minute. This is west, sorry. Okay, so north, south, down below, this side east and this side west. Okay बेटा, और ये अलग अलग states है. ठीक है, अलग अलग मार्किंग से मार्क किया जाता है. ओके, नाउ एज वी लिव इन महाराष्ट्र, वी आर गोइंग टू मार्क द महाराष्ट्र ऑन द मैप. बेटा ये महाराष्ट्र है, ठीक है, एम ए एच ए आर ए एस एच स्प्रेड आउट एंड देन एंड राइट. हाँ, now I'll be able to write Maharashtra. ठीक है, M A M A H A, what happened? Wait, again I'll take a pen and try to write M A, the pen. It's not writing. Sometimes this is Maharashtra, beta. Wait. Now let me write the. Let me write now. M E H A M E H A R A S H T E R A. दिस पोर्शन जो है ना आपका, ये जो दिस यू विल सी, वन मिनट चिल्ड्रन, पहले आप ये मैप को रीड करना. ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये दिस बाउंड्री, ये पूरा आपका ये महाराष्ट्र है बेटा. दिस इज वेयर वी आर, ये महाराष्ट्र है. ठीक है, इतने ही इसमें आपको महाराष्ट्र लिखना है. सी आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली बेटा. ठीक है, आई विल इरेज दिस बिकॉज इट्स लुकिंग वेरी ऑड. महाराष्ट्र बाहर नहीं जाना चाहिए. आई विल जस्ट मार्क एज एन, और आप पूरा स्पेलिंग महाराष्ट्र का लिखना. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. अदर प्लेसेस दे आर राइट, इट इज एबल टू राइट, व्हाई इट इज नॉट, हियर इट इज.
बाप रे, ओके ठीक है बेटा, महाराष्ट्र का स्पेलिंग लिखेंगे आप। ओके दिस इज ओके, दिस इज ओके। नाउ वी विल, नाउ यू गोइंग टू हैव दिस इन योर शी वर्कशीट बेटा, आपको इसमें मार्क करना है ठीक है। लेट मी डायरेक्टली, दिस यू विल बी डूइंग इन द वर्कशीट ओके, बट लेट मी मार्क द नॉर्थ डायरेक्शन बेटा। दिस आपका नॉर्थ है, NORTH नॉर्थ, SOUTH साउथ, दिस इज ईस्ट ओके एंड दिस इज वेस्ट। अभी एक और है वर्कशीट में है, आई विल ट्राई टू डू देयर ऑल्सो, लेट अस सी नाउ। दिस इज अ वर्कशीट बेटा, सब इमेजिन करो कि ये आपका घर है बीच में, ये आपका फोर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आपको फोर मेन लैंडमार्क्स आपको ड्रॉ करना है जो आपके घर के पास में है। इन नॉर्थ डायरेक्शन व्हाट इज़ द फेमस बिल्डिंग देयर, मॉल है, मार्केट है, क्या है, आप उसको बनाएंगे, पेट्रोल पंप है, व्हाट इज़ इट। ऑन फोर्थ डायरेक्शन फोर लैंडमार्क्स आपको ड्रॉ करना है। एंड लेट मी राइट द क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट वाई डू वी नीड टू नो द डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके यस, वाई वाई वी नीड डायरेक्शन, वी नीड डायरेक्शन टू रीड द मैप ओके। वी नीड, आई राइट हियर, वी नीड डायरेक्शंस, डी आई, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज ओके, डी आई आर ECTIONS, directions, we need directions to read the map, है ना, read, READ, read the map, ये place नहीं था बेटा, that's why I've written here, you better write on the two line, ठीक है। Now, why do we need a map, हमको map की ज़रूरत क्यों है, why do we need a map, ठीक है। अरे बाप रे, हाउ विल आई राइट, व्हाई डू वी नीड अ मैप, यस चिल्ड्रन, वी नीड अ मैप टू लो टू मैप टू लोकेट द प्लेसेस ओके। मैप टेल अस वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, मैप, maps are right here, tell us where places are located, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है, please pay attention, here the map is given to you, ठीक है। आपको यहाँ पे four directions लिखेंगे, आप यहाँ पे पूरा spelling north का लिखेंगे, north, यहाँ south, ये पूरा east and पूरा west का spelling लिखेंगे। और फोर स्टेट्स आप मार्क करना, इन दिस डायरेक्शन वन स्टेट हियर, वन स्टेट हियर, वन स्टेट हियर। जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आप नीचे में यहाँ पे तमिलनाडु लिख सकते हो, तमिलनाडु इन शॉर्ट आई एम राइटिंग, हियर आप आसाम लिख सकते हो, हियर लद्दाख और जम्मू कश्मीर मार्क करना बेटा, एंड हियर इट इज़ गुजरात, ठीक है। आई जस्ट इरेज दिस सो दैट आई विल राइट नीटली सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इन शॉर्ट फॉर्म आई एम राइटिंग, आप पूरा पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लद्दाख लिख सकते हैं, दिस प्लेस इज़ लद्दाख, दिस इज़ गुजरात बेटा, ये आपका तमिलनाडु, TN तमिलनाडु आई रोड, और ये जो छोटा सा इधर में बीच में जो है, दैट इज़ आसाम। तो ऐसे फोर स्टेट्स को, फोर साइड में एक एक स्टेट को मार्क करना है, सो प्लीज़ डू दैट, आई होप यू गोइंग टू रियली एंजॉय दिस, प्लीज़ करना बेटा ज़रूर, ओके। एंड डेफिनेशन आई थिंक इज़ इट क्लियर टू यू, दिस अगेन वंस अगेन आई टेल यू, द मैप्स टेल अस वेयर द प्लेसेज आर लोकेटेड, ये डेफिनेशन है बेटा। ये जो क्वेश्चन था ऊपर में, आई डोंट नो वेदर, यस यस यस, आई विल बी एबल टू राइट, वेट, मैप्स टेल अस वेयर प्लेसेज आर लोकेटेड, ठीक है, this is a definition, okay wait, I think now it's clear to you, okay, then see you then, okay, take care beta, and please go through the worksheet 2-3 times and then solve the worksheet.